हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटा बजाओ तभी। बाइक्स रेडी है तो हमने कल लेकर जाने का सोचा था, मगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो नहीं ला सका, तो आज हम बाइक पर ही जाएंगे। नेसर भाई और हसन भाई यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है। दे मतों दे मतों दे सामान है। सर यहाँ तो आवेल है। अच्छी तावेल। ये सूट के लिए प्याज वगैरह, ये के लिए फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग खरफा वैली पहुंच गए हैं। तकरीबन हम 5:30 पर खपलू से निकले थे और अभी 6 बज गए हैं, तो तकरीबन आधे घंटे में खपलू से यहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि खपलू से खरफा तक का जो फासला है वो 20 किलोमीटर है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ खरफा जो झील है वो मौजूद है, और इधर से डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और वॉकिंग जो डिस्टेंस है वो 2 आवर है। यहाँ से ऊपर जो है एक कच्चा रोड भी बना हुआ है, तो जहाँ तक मुमकिन हो हम बाइक पर जाएंगे, और जहाँ से बाइक ऊपर नहीं पहुँच सकते वहाँ से हम पैदल जाएंगे। Oh, 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 oh
अभी हम 10,500 फीट बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। चेक इट आउट गाइस, यहाँ आकर इस झील को देखने के बाद आप अतावत झील, सतपारा झील और कचूरा झील ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी खूबसूरती जो है यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, वहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा नज़र आएंगे आपको, तो मैं आपको दिखाऊंगा झील का पूरा जो मंजर है। दो बहुत ही बड़े पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत झील, हमें उम्मीद था कि हम ट्राउट मछली पकड़ेंगे, लेकिन ट्राउट तो नहीं आया, लेकिन देसी मछली हमने पकड़ के ले आए, ये आप देखेंगे। यहाँ से इस रास्ते से आप जितने ऊपर की तरफ जाएंगे उतने ही झील का जो खूबसूरत व्यू है वो आपको देखने को मिलेंगे।
यू नो गाइस, गिलगित बल्तिस्तान इज फेमस फॉर इट्स माउंटेन ग्लेशियर्स एंड नेचुरल लेक्स, बट देयर आर सम लेक्स व्हिच इज अनडिस्कवर्ड. खरफा लेक इज वन ऑफ देम. ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे. ये देखिए एक खूबसूरत याद का बच्चा. जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे हाय. तेरी मिट्टी में गुल बनके
फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं।